हाय एवरीवन, दिस इज शिरीन एंड वेलकम टू माय चैनल शिरीन उम्मे फाजिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन में होने वाले कन्फ्यूजन को जो कि बच्चों को होते हैं। बेसिकली फाजिल को जब हम हिंदी व्यंजन पढ़ा रहे थे तो उसमें होने वाले कन्फ्यूजन जो कि फाजिल को मोस्ट ऑफ द टाइम फेस करना पड़ा, जो मैंने देखा, उस चीज़ को मैं आज आप वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हिंदी व्यंजन में जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों को। जैसे उंग, वैसे आप पहले देखें तो ये पूरे व्यंजन हैं जो कि हिंदी वर्णमाला में है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें देखेंगे। जैसे उंग और ड, तो इसमें सिर्फ एक बिंदी का डिफरेंस है यहाँ पर, तो बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो आप उन्हें ये समझाएं कि ये दोनों लेटर्स अलग अलग हैं। उसी तरीके से घ, छ और ध में डिफरेंस सिखाइए। घ आप बनाना सिखाएं, देन उसको छ के टाइम पे बताएं कि यहाँ पर ऐसे गोल आता है और ध में यही गोल ऊपर की तरफ आता है, इस तरीके से सिखाएं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है ढ और द में। इसमें भी फाजिल को बहुत कन्फ्यूजन होता था, ये भूल जाते थे ढ कैसा होता है या द कैसा होता है, तो इस ये डिफरेंस आप उन्हें ज़रूर से समझाएं। नेक्स्ट है था और य, क्योंकि ये दोनों सेम तरीके से बनते हैं, सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है, यहाँ पर आगे गोल रहता है, तो आप ये भी ज़रूर से बताएं। अब बच्चों को अगर आप इस तरीके से बताएंगे कि दीज वर्ड्स आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, तो उनको जल्दी उन्हें ध्यान में रखने में ज़्यादा आसानी होगी। उसी तरीके से भ और म में भी उन्हें कन्फ्यूजन होता है। सिमिलरली आप देखेंगे कि ब और व में भी कन्फ्यूजन होता है। तो ये सारे व्यंजन हैं जो कि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। फाजिल को पढ़ते टाइम या याद रखते टाइम इन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये अपने बच्चों को ज़रूर से बताएं। अब आप देखेंगे ये फाजिल की हिंदी कॉपी है जो कि हमने इस तरीके से उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। पहले उनसे हमने इस तरीके से लिखवाया था, देन उनको जब सारे स्वर्ण और व्यंजन का अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया, देन हम उन्हें एक बार व्यंजन सारे लिखने के लिए देते थे और फिर बिना मात्राओं के जो डिक्टेशन है वो देते थे। उनके साथ में लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पर जो एंड में होता है इसको पूर्ण विराम कहते हैं, जैसे कि हम किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है। उसी तरीके से आप रोज़ एक बार उन्हें डिक्टेशन दे सकते हैं अगर उनके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट उन्हें संडे को या किसी भी हॉलीडे पर उन्हें ज़रूर से एक बार व्यंजन लिखवाएं और उन्हें डिक्टेशन दें। दिस इज लास्ट जो कि उन्होंने कल ही किया है, ये उनका पूरा व्यंजन है जो कि उन्होंने खुद से लिखा है और ये उनका अब तक का डिक्टेशन है हिंदी का, जिसमें कि राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट है और आ की मात्रा वाले शब्द तक वो डिक्टेशन कर पाते हैं। ही इज़ इन सीनियर केजी। आप चाहें तो आपका बेबी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त देना होता है बच्चों को, वो नहीं सीख पाते जल्दी से, तो उन्हें थोड़ा टाइम देकर सिखाएं तो वो ज़रूर से सीखेंगे। हेलो फाजिल। हेलो मम्मा। ये नीचे लिखे हुए वाक्य हैं आ की मात्रा वाले, हम इन्हें पढ़ेंगे। यस। चलो पढ़ो। राजा माला ला, भगवान का भजन कर, माला पहन कर चल, नहर में नाव है, बाजा सब साफ कर, जार बाजार से अनार ला, ताला ले लगा कर आ। वेरी गुड फाजिल। थैंक यू मामा। बी हैप्पी हेल्दी एंड सेफ। एंजॉय वीडियोज विद उम्मे फाजिल।